झारखंड राज्य के सरकार का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं पूरे गांव वालों के जोर से। और जो मेरा पैगाम ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलशिता हमारा। आपस में पैर मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना हिंदी है, हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। बरकट्ठा में मिलादुन्नबी का त्यौहार धूमधाम से मना, मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिवस पर निकाले गए जुलूस। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के कुन्हरा कला, कुन्हरा खुर्द, मारमगड्डा, सिलाडी, बनवारी, तरबेचवा, घंगरी में मिलादुन्नबी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कौमी एकता की मिसाल देखी गई। इस अवसर पर विभिन्न गांव में जुलूस निकालकर मोहम्मद पैगंबर के संदेश अमन व शांति दूत बुराइयों को दूर करने की बताई गई। इस अवसर पर कुन्हरा कला के मुखिया अब्बास अंसारी, जहीर अंसारी, शाहनवाज अंसारी, रहमत मियां, मौलाना अब्दुल कयूम, मौलाना मकबूल अहमद, अशमत अली, इस्माइल अंसारी, मौलवी रमजान, हैदर अली, मंजूर अंसारी, अयूब अंसारी, मौलाना मसरूर, शफीक अंसारी, मोहम्मद कुदूस अंसारी समेत दर्जनों लोग शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर हम सारे गांव वालों के जानिब से, खासकर रहमत नगर मिरमगड्डा के नौजवानों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, और मैं मौलाना अब्दुल कयूम पूरे झारखंड वासियों को, भारत वासियों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्मदिवस पर मैं सभी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि हमारे मौसिस एंड फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत बनकर के आए, और जब वो आए तो ये उन्होंने ये कहा कि जिसने सबसे पहले ये कहा कि सारे लोगों के धर्म स्थलों का जिसने एहतराम करने का जो पैगाम दिया वो पैगंबर इस्लाम है। जिन्होंने कहा सनातन धर्म हो या यहूदी धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, उनके मजहब मिल्लत और उनके इबादत गाहों का जो एहतराम करने का। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।